व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक। एक्वा फंडेड, इसको हम रिव्यू करने वाले हैं आज। एक नया प्रॉफर्म है, देखते हैं क्या ये ट्रस्टवर्दी है या नहीं है, इनके प्लान एंड फीचर्स, बिजनेस मॉडल किस तरह का है, बाकी ब्रोकर डिटेल एंड इनके प्राइसिंग क्या है, क्या कॉम्पिटिटिव प्राइसेस लेके आए या नहीं आए, क्या आपको अगर आप एक नए प्रॉफर्म को ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो क्या इन पर ट्रस्ट करना चाहिए, सारी चीज़ें इस वीडियो में हम बात करेंगे। और साथ ही गिव अवे भी है इस वीडियो में, उस पर आप कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं मैं आपको आगे बताऊँगा। 5 लकी विनर्स को गिव अवे मिलेगा, $10,000 का इवैल्यूएशन प्लान इनका, एक्वा फंडेड का। वेबसाइट में देखें तो आप देख सकते हैं कितने गहरे पानी में है, पानी पानी हर जगह, एक्वा ही नाम से है तो कुल मिला के कुछ वैसा ही थीम दे रखा है। बाकी क्लीन एंड क्रिस्टल सी वेबसाइट है, दो चार ही टैब दे रखे हैं। FAQ सेक्शन में अगर आप जाएंगे तो इनके सारे डिटेल्स यहाँ पर पढ़ सकते हैं, जितने क्वेश्चंस हैं, रूल्स हैं, तो सिंपल सा रखा है। और रूल्स की बात करें तो काफ़ी सिंपल सा रखा हुआ है। सबसे पहले एक बार मैं ट्रस्ट पायलट में देख लेता हूँ उनकी रेटिंग। तो यहाँ पर मैं ट्रस्ट पायलट में हूँ फिलहाल, एक्वा ट्रेडर, एक्वा फंडेड को हमने सर्च करा है तो 239 लोगों ने इनको रिव्यू दिया है और एक्सीलेंट है फिलहाल, 4.8 की आउट ऑफ 5, तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। और पे आउट्स एंड एवरीथिंग कॉमेंट्स के हिसाब से, या फिर अगर आप इनके डिस्कॉर्ड ग्रुप में ज्वाइन करते हैं तो ऐसा कोई मुझे शिकायत जो है देखने को नहीं मिली अभी तक, ठीक है। और बाकी जो टारगेट इनके पास है, फेज़ 1 और फेज़ 2 दोनों को मिलाया जाए तो अभी जो कम से कम चल रहा है इंटरेस्ट में वो है 12% के हिसाब से। तो देख लेते हैं एक बार इनके प्लान्स। इनका भी टारगेट 12% का ही है। अगर मैं जैसे 100K एग्जाम्पल के लेता हूँ यहाँ पर, तो ये है फेज़ 2 वाला प्लान। फेज़ 1 और फेज़ 2 दो अलग अलग प्लान हमारे पास हैं। फेज़ 2 को हम एक बार पहले डिस्कस कर लेते हैं। 100K का प्राइस है $389, जो कि इंडस्ट्री का सबसे चीपेस्ट है एज ऑफ नाउ। और ये कूपन कोड लगा के होगा, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और ट्रेडिंग पीरियड अनलिमिटेड है, मिनिमम ट्रेडिंग डेज ऐसा कुछ है नहीं, आप एक दिन में ही टारगेट अचीव कर सकते हैं दोनों। मैक्सिमम डेली लॉस जो है 5%, जो कि अच्छा है क्योंकि नॉर्मली 8% का प्रॉफिट टारगेट फेज़ 1 का और 4% का प्रॉफिट टारगेट है फेज़ 2 का, तो उस हिसाब से डेली अगर आपको 5% का लॉस मिल रहा है और ओवरऑल आपको 8% का लॉस मिल रहा है तो ये अच्छा फीचर है। जो यहाँ पर डेली वाला लॉस है ये मैक्सिमम प्रॉफर्म्स में 4% का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 5% का, कहीं ना कहीं 1% आपको ज़्यादा रिस्क करने का मौका मिल सकता है। तो आप मैक्सिमम लॉस देख ही चुके हैं, 8% का है और प्रॉफिट टारगेट फेज़ 1 का है 8% और फेज़ 2 का है 4%। तो जैसे माई फ्लैश फंडिंग में है, वहाँ पर आपका 6% फेज़ 1 और 6% फेज़ 2 पे है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं फेज़ 1 का ज़्यादा कर दिया टारगेट तो फेज़ 2 का वहाँ पर कम कर दिया, तो सिमिलर टू माई फ्लैश फंडिंग। लेकिन यहाँ प्राइस में कहीं ना कहीं एक्वा फंडेड जो है सस्ता है माई फ्लैश फंडिंग से, क्योंकि नया भी है तो इसलिए स्टार्टिंग में डिस्काउंट देने पड़ते हैं, ठीक है। और बाकी लेवरेज आप देख सकते हैं, मैक्सिमम जो है 1:100 का। यहाँ पर कुछ और चीज़ें दे रखी हैं, 1-time फ़ी है जो कि 100% रिफंडेबल है अगर आप पास कर लेते हैं दोनों फेजेस, और उसके बाद 90% का प्रॉफिट स्प्लिट है, जो कि अच्छा है यहाँ पर क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्रॉफर्म्स में जो 80% 85% के आसपास है, यहाँ पर आप फर्स्ट टाइम से ही जो आप पे आउट लेंगे वो 90% का स्प्लिट आपको मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं फेज़ 1 पर। फेज़ 1 में 100K का जो प्राइस है वो है $397। ट्रेडिंग पीरियड अनलिमिटेड है और मिनिमम डेज भी कुछ नहीं है। डेली का जो लॉस है वो है 3% और मैक्सिमम लॉस है 6%। तो इस हिसाब से, इस ड्रॉडाउन से मुझे इनका फेज़ 1 पसंद बिल्कुल नहीं आ रहा है। बाकी प्रॉफिट स्प्लिट आप सॉरी प्रॉफिट टारगेट जो है वह है 9% का, तो फेज़ बाकी लेवरेज सेम है। तो फेज़ 1 को तो मैं बिल्कुल पसंद नहीं करूँगा, अगर आपको पसंद आ रहा है आप देख लीजिए, मुझे पसंद नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। तो फेज़ 2 पर वापस चलते हैं। फेज़ 2 रिस्क टू रिवॉर्ड के पॉइंट से अच्छा है, $389 पे अगर आपको 100K इवैल्यूएशन चैलेंज मिल रहा है तो अभी के हिसाब से मुझे लग रहा है ये चीपेस्ट है, बिकॉज इससे सस्ता शायद फंडिंग पिप्स भी नहीं है, वहाँ पर भी आपको शायद $400 के आसपास है। और रिस्ट्रिक्शन की बात करें तो यहाँ पर कोई भी ऐसे रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो सबसे अच्छी बात मुझे लगी। FAQs में जाके मैंने पढ़ चुका हूँ सारे इनके डिटेल्स जो है, बट मुझे कोई भी रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर नहीं दिखी तो वो मुझे बहुत सही चीज़ लगी। जैसे कंसिस्टेंसी रूल ऐसा कुछ भी नहीं है। ट्रेलिंग और स्टैटिक जो ड्रॉडाउन है, यहाँ पर आप देखिए स्टैटिक ड्रॉडाउन है जो कि सबसे अच्छी बात है। और इसके अलावा न्यूज़ ट्रेडिंग आप कर सकते हैं, ट्रेड कॉपियर यूज़ कर सकते हैं और वीकेंड्स ओवरनाइट होल्ड कर सकते हैं,
साथ ही हेजिंग, मार्टिंगल और स्टॉप लॉस आपको यूज़ नहीं करना है, मतलब इस तरह की स्ट्रैटेजीज भी आप यूज़ कर सकते हैं। जो चीज़ आपको नहीं करनी वो यहाँ पर अदर रूल्स में दे रखा है, चीटिंग अलाउड नहीं है। कुल मिला के अगर आप ये चाह रहे हैं कि जो प्रोहिबिटेड स्ट्रैटेजीज़ हैं वो आप यूज़ करेंगे यहाँ पर, तो ऐसा नहीं होने वाला। तो क्या क्या है एक बार आप यहाँ पर जाके पढ़ लीजिए अदर रूल्स में, ठीक है। अगर आप कहीं ना कहीं सिस्टम को यू नो टॉगल करना चाह रहे हैं कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ से, तो फिर आप एक बार चेक कर लीजिए। बाकी रिस्ट्रिक्शन के मामले में ऐसा कोई भी रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर मुझे नहीं दिख रहा, अगर आप ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो। ब्रोकर इनका है मेरा फेवरेट जो है पर्पल ट्रेडिंग, MT4 और MT5 दोनों अवेलेबल हैं, क्योंकि पर्पल ट्रेडिंग ने रिसेंटली अभी 3-4 महीने पहले जो है MT5 लॉन्च किया था, क्योंकि बहुत लंबे समय से उनके पास केवल MT4 ही चल रहा था। तो अब आप MT5 और MT4 दोनों प्लेटफॉर्म पर यूज़ कर सकते हैं पर्पल ट्रेडिंग को। बाकी स्प्रेड की बात करें तो स्प्रेड के मामले में मेरा फेवरेट रहा है पर्पल ट्रेडिंग। स्प्रेड स्टार्ट होता है 0 pip से। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं फेज़ 1 को ये द वेव बोलते हैं, फेज़ 2 को द रिपल बोलते हैं और फेज़ 3 को ये एक्वा ट्रेडर बोलते हैं। फेज़ 1 आपको पता ही है 8% का टारगेट आपको अचीव करना है, फेज़ 2 पे 4% का। देन आप एक बार अचीव कर लेते हैं टारगेट्स, तो उसके बाद 14 दिन के बाद जब आप लाइव अकाउंट में ट्रेड करेंगे उसके 14 दिन के बाद आप पे आउट रिक्वेस्ट कर सकते हैं। पे आउट पार्टनर इनका है RiseWorks.io, यानी जो राइज की बात मैं कल कर रहा था एक वीडियो में, तो वो इनका पार्टनर है, जो कि बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि यहाँ पर पे आउट से जो भी रिस्ट्रिक्शन चल रही थी अभी क्रिप्टो में या इस तरह की, तो वो यहाँ पर इस तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। RiseWorks जो है एग्जैक्टली डील की तरह काम कर रहा है, यहाँ पर आप अपने जो क्रिप्टो वॉलेट्स हैं उनको भी ऐड कर सकते हैं, कुछ इस तरह का फीचर है। फ्यूचर में इसके बारे में वीडियो बनाऊंगा मैं। अपने हाइलाइट्स में क्लियरली लिखते हैं ये लोग कि अचीवेबल टारगेट्स हैं, कम टारगेट्स हैं, और ये कंपेयर कर रहे हैं किसी अदर प्रॉफर्म से। जी हाँ, अगर 12% की बात कर रहे हैं 8% प्लस 4% फेज़ 1 और फेज़ 2 को मिला के, तो ये मेरे हिसाब से बहुत अच्छे टारगेट्स हैं। अगर आप इन टारगेट्स को भी अचीव नहीं कर पा रहे हैं तो फिर कहीं ना कहीं बाकी प्रॉफर्म्स में तो आपको और भी इससे ऊपर टारगेट्स मिलेंगे, आप वहाँ पर नहीं कर पाएंगे। आपके लिए बेहतर है कि आप अभी फ़िलहाल के लिए जो प्रॉप ट्रेडिंग है वो ना देखें, ठीक है। बाकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये चीज़ मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट है इनका, जैसे माई फ्लैश फंडिंग में है वहाँ पर भी कोई भी रिस्ट्रिक्शन मुझे देखने को नहीं मिली, तो कुछ उसी तरह का यहाँ पर जो है एनवायरनमेंट है। और हायर प्रॉफिट स्प्लिट, हाँ यहाँ पर ये चीज़ कह सकते हैं 90% स्प्लिट जो है वो बेहतर है, बाकी फास्टर पे आउट्स। अब अगर बात करें कितने रिलायबल हैं या फिर कब तक ये टिकेंगे, देखिए प्रॉफर्म इंडस्ट्री जितने भी प्रॉफर्म्स हैं वो अभी तक रेगुलेटेड नहीं है, इनके लिए कोई भी ऐसी बॉडी अभी तक नहीं बनी है जो इनका टेक केयर करे। तो उसके हिसाब से तो अगर आप बिल्कुल सेफ वे चाह रहे हैं तो ऐसा नहीं है, अगर आप एक रिस्क टेकर हैं तो एज ऑफ नाउ ऐसा कोई भी नेगेटिव फीडबैक आपके लिए मैं कह सकता हूँ नहीं है इनके पास, एक्वा फंडेड के पास। सिंस ये नए प्रॉफर्म है तो वो एक एरिया है आप कभी भी देखें, क्योंकि आपको $390 के आसपास 100K का चैलेंज मिल रहा है। अगर आप एक रेप्यूटेटेड प्रॉफर्म में जाएंगे जैसे FTMO है या फिर इससे बड़े जैसे ट्रू फॉरेक्स फंड है, वहाँ पर यही चैलेंज आपको लगभग $500 के आसपास मिलेगा। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको $100 या $150 के आसपास सस्ता पड़ रहा है, वो चीज़ कहीं ना कहीं दोनों के लिए म्यूचुअली सही है। एक तो ब्रांड के लिए नया है तो वो कहीं ना कहीं प्रमोशन में सस्ते प्लान नहीं देगा, तो उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, वो ट्रस्ट जीतने का एक मौका होता है कि वो सस्ते प्लान करे सो दैट एक क्राउड जो है इकट्ठा हो, एक नेटवर्क बिल्ड हो सके। और वही एक प्रॉप ट्रेडर के लिए जो इनके प्लान्स को खरीदता है, अगर आप पुराने प्रॉफर्म जो बिल्कुल रेपुटेशन बना चुके हैं उनसे कंपेयर करेंगे, उसके कंपैरिजन में एक रिस्की ऑप्शन हो सकता है हमारे हिसाब से। लेकिन अगर हमने थोड़ा सा बैकग्राउंड चेक कर लिया, रिव्यू चेक कर लिया, ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं दिख रही है, तो फिर अगर आप एक अच्छे ट्रेडर हैं, आप एक सही तरह से ट्रेड करना जानते हैं और यहाँ से विड्रॉल लेना जानते हैं, तो जो भी एनालिसिस अभी तक मैंने करी है, जो रिव्यूज़ देखे हैं, उसके हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि फिलहाल ये ट्रस्टवर्दी हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इस चैनल में आपके सामने मैं उन्हीं प्रॉफर्म्स को रिव्यू करता हूँ जो अच्छा काम कर रहे हैं, जिनका जो ट्रस्ट स्कोर है कहीं ना कहीं पूरे इंटरनेट का देख के वो सही है और पेआउट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, और एट द सेम टाइम उनका बिजनेस मॉडल या प्राइसिंग ऐसी है जो कॉम्पिटिटिव है, बिल्कुल ही अलग, यानी आउटलायर में फॉल नहीं कर रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि इनका जो 100K का प्लान है वो $100 का या फिर $50 का है, ऐसा भी नहीं है। तो $400 के आसपास एक रियलिस्टिक टारगेट है और एक कॉम्पिटिटिव भी है। अगर आप एक नए प्रॉफर्म है तो इस तरह के प्लान आपको निकालने पड़ेंगे, तो ट्रस्ट के हिसाब से ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है एज ऑफ नाउ। बाकी
रिस्क हर जगह इन्वॉल्व है, पैसा आप वही लगाइए जहाँ पर आप उसको लूज़ करना भी अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें कंसिडर करने के बाद अगर आप एक्वा फंडेड को ट्राई करना चाह रहे हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा और इसका एक कूपन कोड भी जो है जो आपको 20% ऑफ देगा। कुल मिला के फाइनल जो आपका अमाउंट रहेगा वो $389 हो सकता है 100K के लिए, इससे कम नहीं होगा, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। बाकी अब बात करते हैं गिव अवे की। विनर्स अनाउंस होंगे 17 फरवरी 2024 में, ठीक है। तो लगभग एक महीने का टाइम है, तो पार्टिसिपेट करने के लिए आपको पता है 3 सिंपल से रूल्स हैं। जिस वीडियो को आप देख रहे हैं इस पर एक लाइक करना है और लास्टली स्पोकन यूट्यूब चैनल के आप सब्सक्राइबर होने चाहिए क्योंकि एक कम्युनिटी गिव अवे है। और तीसरा, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप कोई भी आपके ओपिनियन है वो शेयर कर सकते हैं। मेक श्योर कि आप स्पैम ना करें, दैट्स इट। जो भी लकी विनर होंगे वो हम रैंडम कमेंट पिकर से 17 फरवरी को जो है पिक कर लेंगे और उसका वीडियो अपलोड हो जाएगा उसी दिन, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं क्वेश्चन। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैप्पी ट्रेडिंग।